स्वागत है आप सभी का हिमवंत जी के में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड व्यक्तित्व सीरीज का सुंदरलाल बहुगुणक जी के बारे में। तो आज हम सुंदरलाल बहुगुणक जी के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। तो सर्वप्रथम देखिए आप सुंदरलाल बहुगुणक जो एक पर्यावरणविद हैं। इनका जन्म है 9 जनवरी 1927 मरोड़ गांव में। इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल। इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 मरोड़ गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अंबादत्त बहुगुणा जो एक वन अधिकारी थे। तो आपने ध्यान देना है। माता इनकी थी, माता जी का नाम था पूर्णा देवी और पत्नी थी इनकी बिमला नोटिया। तो आपने ध्यान देना है। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 मरोड़ गांव टिहरी गढ़वाल। इनकी शिक्षा है बीए पास किया इन्होंने, वो भी लाहौर पाकिस्तान से इन्होंने बीए पास किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। 1949 में दलित वर्ग हेतु विद्यार्थियों के लिए टिहरी में इन्होंने हॉस्टल की स्थापना की थी और इन्होंने जो थक्कर बाबा में हॉस्टल की स्थापना की थी। और 1932 में इन्होंने हरिजन सेवा संघ महासचिव ये चुने गए थे। और इनकी पत्नी विमला नोटियाल है जिनके साथ इन्होंने मिलकर पर्वतीय जन नव जीवन मंडल की स्थापना 1956 में सिलियारा गांव में की थी। तो पर्वतीय नव जीवन मंडल की स्थापना 1956 में सिलियारा गांव में जो टिहरी में है अपनी पत्नी विमला नोटियाल के साथ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं। तो इनका एक फेमस नारा है हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो आपने ध्यान देना है। और इन्होंने कहा है क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, हिमालय बचाओ देश बचाओ इनका नारा है। अब कुछ इनके प्रमुख आंदोलन की अगर बात करें तो दलित उत्थान के लिए, भूदान के लिए, स्वतंत्रता संग्राम, शराब का विरोध, वन संरक्षण, टिहरी बांध का विरोध, वृक्षों की रक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने आंदोलन करे हैं। 1944 में सृजन सेवन संघ राजशाही के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी, ये भी इनमें सम्मिलित थे। 1961 में शिल्पकार की इन्होंने शादी धूमधाम से कराई थी। उस समय शिल्पकार की शादी के लिए धूमधाम से नहीं कराई जाती थी, जिसके इन्होंने एक शिल्पकार के साथ धूमधाम से कराई थी। 1970 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा टिहरी में शराब की दुकान खोल दी जिनका इन्होंने विरोध किया और शराब पर प्रतिबंध लगाया। ये आपने ध्यान देना है। फिर इनका इन्होंने चिपको आंदोलन को विश्व पटल तक पहुंचाया था, ये आपको ध्यान होगा। फिर 25 मई 1974 को, उससे पहले 25 अक्टूबर 1973 को उन्होंने मरोड़ा टिहरी से मुन्नी की रेती की 1400 किलोमीटर की यात्रा की। और ये 25 अक्टूबर 1973 से 22 फरवरी 1974 को पहुंचे थे। उसके बाद 25 मई 1974 को उन्होंने आराकोट गढ़वाल से अस्कोट कुमाऊँ तक की यात्रा, पैदल यात्रा की 700 किलोमीटर की और ये इन्होंने 44 दिन में पूरी की। तो आपने ध्यान देना है। और 1986 में इन्होंने क्या किया, टिहरी बांध के विरोध में 74 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल इन्होंने की थी। और फिर इन्होंने गंगा सागर से गंगोत्री तक एक साइकिल रैली भी निकाली थी। तो आपने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अब इन्हें कुछ मिले जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1980 में इन्हें अमेरिका की एक फ्रेंड ऑफ नेचर संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1981 में स्टॉकहोम द्वारा का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला पर इन्होंने इन्हें इसे लौटा दिया। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला सिंघवी ट्रस्ट द्वारा। 1985 में मुंबई की एक वृक्ष मित्र संस्था द्वारा इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया। 1986 में रचनात्मक कार्य हेतु इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला। 1987 में
राइट लाइवलीहुड चिपको आंदोलन से संबंधित इन्हें पुरस्कार दिया गया। 1987 में इन्हें शेर कश्मीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1987 में इन्हें सरस्वती सम्मान मिला और फिर इन्हें सोशल साइंस में 1990 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली IIT रुड़की से। तो इन्हें काफ़ी सम्मान मिल चुके हैं और जमुना लाल बजाज के साथ इन्हें देखा जा सकता है। जमुना लाल बजाज सम्मान मिला है इन्हें। आगे बढ़ते हैं। जमुना लाल बजाज सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं। 1998 में पहल सम्मान और 1999 में गांधी सेवा सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। 2009 में फिर इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हें कुछ उपनाम दिए गए हैं, पर्यावरण गांधी और भिक्षा मित्र भी इन्हें कहा जाता है। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जैसे कि धरती की पुकार, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर। तो आपने ध्यान देना है। फिर इन्हें सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार, फिर सुंदरलाल बहुगुणा और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की अब देने की घोषणा की जा रही है। ये 5 जून 2023 से दिए जाएंगे। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों पक्षों में दिए जाएंगे, जहाँ फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 लाख, दूसरे के लिए 2 लाख, तीसरे के लिए 1 लाख दिए जाएंगे। तो ये पुरस्कार अब इनके नाम से शुरू किए जा रहे हैं। अगर इनके देहांत की बात करें तो 21 मई 2021 को 94 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के चक्कर में पूर्णानंद घाट पर इस केस में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस प्रकार इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था पर्यावरण के लिए, जिसे इनके लिए काफ़ी इनको पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप इन सभी को याद रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप हिमवंत चीके को। तब तक के लिए धन्यवाद।